सत्संग करना, भगवान की भक्ति करना, ये तो कमाई है, गधा भी जानता है, लेकिन इस कमाई में गड़बड़ न होने पावे ये सावधानी बरतना चाहिए। और ये गड़बड़ संसार में जाते ही हो जाती है। यहां आप लोग संसार में गए, राग द्वेष ये दो बीमारी, कहीं अटैचमेंट और कहीं दुश्मनी की भावना, दूसरे में दोष देखने की भावना। जब वो गंदगी अंदर आई, दूसरे में दोष देखने की, दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने की, तो मन जो इतना शुद्ध हुआ था वैसा गंदा हो गया। गुरु का परिश्रम बेकार गया, वो साधना बेकार गई, इतना टाइम लगाया, इतना हृदय अच्छा बना था, और मिला क्या? कुछ नहीं, अपना नुकसान भी हुआ। जैसे एक आदमी किसी को डांटता है दुखी करने के लिए, तो भले हमारा नौकर हो, छोटा हो, वो तो दुखी हुआ ही, अब तुमको भी क्रोध आया, तो तुम्हारा नुकसान तो पहले हो गया। तो टाइम का सदुपयोग करना और काम क्रोध लोभ मोह से बच के रहना, उसको दबा देना, क्रोध आएगा, कोई गलती करेगा घर में तो क्रोध सबको आता है, लेकिन उसको दबाना सीखो, उस पर कंट्रोल करना सीखो। जैसे किसी की साड़ी में आग लगती है, खाना बनाते समय वहीं पर हाथ से दबा देती है, और जब पूरे शरीर में लग गई आग तो फिर तो मरेगा। तो क्रोध की शुरुआत, लोभ की शुरुआत, ईर्ष्या की शुरुआत हो वहीं पर सावधान हो जाओ। हाँ, हमें भगवान की, गुरु की कृपा चाहिए। हाँ, और वो हमारे साथ है, वो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, तो कृपा कैसे मिलेगी? ये सब सावधान रहने का अभ्यास करना चाहिए। और रात को सोते समय सोचे, आज हमने कहां कहां क्रोध किया, कहां कहां लोभ किया, कहां कहां किसको दुख दिया, उसको फील करे, दूसरे दिन फिर और कम हो, फिर और कम हो, फिर खत्म हो जाए।